हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक तो बतानी नहीं आप लोगों को ये न्यूज पता है कि नहीं पता है राफेल का बोलबाला मार गिराया एफ सिक्सटीन देखते ही देखते जेट गायब फ्रांस <laughs> <France> भी <हरान. laughs> हो रहा है <हूं। laughs> माल है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बेल को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू न्यूडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जब भारत ने फ्रांस के साथ छत्तीस राफेल फाइटर विमान की डील साइन की थी और जब भारत को हमारा पहला राफेल फाइटर विमान मिला तब हर मीडिया सोर्स लगातार ये बात कह रहा था कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद लगभग हर फाइटर विमान का तोड़ अपने बेड़े में शामिल कर लिया है खास करके पाकिस्तान जिसके पास अब ऐसा कोई भी फाइटर विमान मौजूद नहीं है जो कि भारत के राफेल विमानों को टक्कर दे सके और आज राफेल फाइटर विमानों से जुड़ी जो खबर निकलकर सामने आई है उसने ये बात साबित कर दी है की भारत द्वारा राफेल फाइटर विमान को चुनना चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के हिसाब ऐसी एक वेल कैलकुलेटेड डिसीजन था जो की आज बिल्कुल सही साबित हो चुका है दरअसल दोस्तों ग्रीस की वायुसेना द्वारा अपने राफेल और एफ सिक्सटीन फाइटर विमानों के बीच कराए गए एक फ्रेंडली डॉग फाइट में राफेल ने एफ सिक्सटीन को काफी बुरी तरह से पछाड़ दिया ग्रीस की वायुसेना के पास मौजूद राफेल विमान ने न की सिर्फ एफ सिक्सटी को क्लोज कॉम्बैट में हराया बल्कि लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में भी डोमिनेट किया साथ ही ये फ्रेंडली बैटल एजेंसी के ऊपर कराया जा रहा था ताकि ग्रीस इस बात का अंदाजा लगा सके की तुर्की की वायुसेना के पास मौजूद एफ सिक्सटीन ब्लॉक फिफ्टी टू फाइटर विमान युद्ध के दौरान कितने कारगर साबित होंगे और क्या ग्रीस राफेल की मदद ऐसी तुर्की आरोप डोमिनेट कर सकता है या फिर नहीं जिसके नतीजे पूरी तरह ऐसी राफेल के हक में आए क्लोज कॉम्बैट के दौरान राफेल के पास मौजूद कैनार्ड काफी मददगार साबित हुए जिसने इस लड़ाकू विमान को एफ सिक्सटीन के ऊपर ज्यादा एजिलिटी प्रोवाइड की इसका मतलब यह है कि राफेल जल्दी अपनी दिशा बदलने में सक्षम है वहीं पर तुरंत ऐसे मनुवर भी परफॉर्म कर सकता है जो कि शायद एफ सिक्सटीन न कर पाए साथ ही एक ट्विन इंजन फाइटर विमान होने की वजह से राफेल को पहले ही एफ सिक्सटीन के ऊपर काफी बड़ा एडवांटेज मिल गया वहीं पर अगर बात की जाए लॉन्ग रेंज कॉम्बैट की तो न की सिर्फ राफेल के पास मौजूद ज्यादा सुपीरियर और शक्तिशाली आईसर रडार ने एफ सिक्सटीन को काफी जल्दी डिटेक्ट किया बल्कि राफेल के पास मौजूद मिटी मिसाइल जिन्हें अनबीटेबल यानी की न हराया जा सकने वाला कहा जाता है उसने एफ पर जल्दी हमला करने की काबिलियत भी उपलब्ध कराई जिसका मतलब साफ है कि लॉन्ग रेंज एरियल कॉम्बैट के दौरान राफेल के पास मौजूद एडवांस सिस्टम तुरंत ही एफ सिक्सटीन को डिटेक्ट करके तबाह कर सकते हैं यानी कि राफेल हर मामले में एफ सिक्सटीन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है जो कि न कि सिर्फ ग्रीस के लिए काफी अच्छी खबर है बल्कि भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास मौजूद एफ सिक्सटीन ब्लॉक फिफ्टी टू फाइटर मानो को भारत ने कबाड़ बना दिया है और इस इलाके में भारत के पास संपूर्ण एरियल डोमिनेंस मौजूद है जहाँ एक तरफ ग्रीस ने फ्रांस को सिर्फ 24 राफेल फाइटर विमानों का ऑर्डर दिया है वहीं पर भारत के पास 36 राफेल विमान मौजूदा समय में ऑपरेशनल है और हमने हाल ही में 80 अतिरिक्त राफेल विमानों के ऑर्डर देने की भी योजना बनाई है जिनमें से 26 राफेल विमान भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे यानी की कुल मिलाकर समझने की कोशिश करे तो चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए राफेल काफी बड़ी सफलता बनकर सामने आए हैं बहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ तो दोस्तों ये खबर जर्मनी की तरफ ऐसी निकलकर सामने आ रही है जिसके तहत भारत और चीन के बीच हुए त्वांग क्लैश को लेकर जर्मनी की तरफ से काफी बड़े बयान देखने को मिले हैं जर्मनी ने यह बयान तब दिया है जब पूरी दुनिया इस विवाद को लेकर काफी हद तक चुप है और काफी नपे तुले बयान दे रही है जिसके तहत जर्मनी ने यह बात साफ तौर पर कही है कि भारत और चीन के बीच हुआ ये विवाद काफी चिंताजनक है और किसी भी हालत में भड़काऊ कदम उठाने से दोनों देशों को संभलना चाहिए साथ ही इस मामले को बैठकर सुलझाने पर जोर देना होगा वही ऐसे में अगर जर्मनी के बयान को तोड़कर देखा जाए तो ये बात साफ तौर पर पता चलती है कि जर्मनी एक तरह से भारत का समर्थन कर रहा है और चीन को नसीहत दे रहा है कि वह ऐसे भड़काऊ कदम न उठाए जिससे रीजन की स्थिरता को खतरा हो जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि इससे भारत का पक्ष मजबूत होता है जहां एक तरफ हाल ही में कश्मीर पर दिए गए बयानों की वजह से भारत और जर्मनी के संबंध खराब हो गए थे वहीं पर दूसरी तरफ जर्मनी ने भारत के साथ कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत करके और लगातार उच्च स्तरीय दौरे के जरिए भारत के साथ अपने संबंध सुधार लिए हैं जिससे ये बात साफ हो गई है कि भारत जर्मनी के लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है खास करके एक ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी स्थिर है जर्मनी द्वारा भारत को समर्थन देते हुए ऐसे बयान जारी करना इस बात को दर्शाता है कि भविष्य में दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं साथ ही चीन के साथ हुए विवादों पर अब भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलते जा रहा है जिससे चीन अपने आक्रामक रवैये को ज्यादा लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएगा इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से सफल साबित हुई है और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ रहा है जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जय हिंद तो फ्रेंड्स फर्स्ट न्यूज वाज़ जस्ट फेंटास्टिक माइंड ब्लोइंग एफ सिक्सटीन अच्छा मैं ये उन्होंने जब बोला ना कि एक फ्रेंडली वो हो रहा था तो मैंने कहा तो सोचो अगर फ्रेंडली हो रहा था और ये हालत हुई तो एक्चुअल जब होगा तो क्या हालत होगी वो right. भी समझ लो इसमें देखिए एफ सिक्सटीन बहुत पुराने प्लेन्स है आ, ah, right? तो, अच्छा. बहुत पुराने प्लेन्स है एफ वगैरह हो तो लेटेस्ट प्लेन है तब hmm. तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी मगर इंडिया स्ट्रेटिजिकली अपने नेबर्स को देख रहा है hmm. कि अगर पाकिस्तान के बाद पुराने एफ़ सिक्सटीन हैं तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेन होना चाहिए तो एफ़ सिक्सटीन को उड़ा सके जो आ गया तो दैट इज़ गुड और एफ सिक्सटीन अभी भी यू एस बेच पा रहा है वो भी अमेजिंग बात है कि इतने पुराने प्लेन पता नहीं कैसे बिक रहे हैं अभी और जबकि वो ये बोल रहे हैं यू एस मेरे ख्याल से कि अपग्रेड कर देंगे ये कर देंगे hmm. इसमें ये लगा लिया वो लगा दिया तो अच्छी बात है कि लोगों ने प्रूव कर दिया भैया के एफ सिक्टीन बहुत पुराने प्लेन्स हैं अगर तुम उसे बेच हो और जो भी ले रहा है वो मारा जाएगा क्योंकि आजकल के ज़माने के प्लेन्स बहुत सुपीरियर हैं दैट इज़ वॉट इट इज़ क्योंकि आप बहुत ही पुराने प्लेन को कंपेयर नहीं कर सकते मगर यहाँ पर उनका मैसेज ये था कि आपके जो नेबर्स हैं उनके पास सिर्फ सिर्फ एफ सिक्सटीन है जिसपे उनको लगता है कि बड़े जबरदस्त प्लेन है बट आपके पास रफेल है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू एफ इज ट्रू क्योंकि बहुत पुराना प्लेन है और अच्छा मैसेज दिया है कि देखिए मगर उससे बेटर ये होगा जो जिसकी खुशी मिलेगी कि पता लगे कि तेजस जो है तेजस सबको बीट कर रहा है राफेल को भी क्योंकि तेजस का पूरी इंडिया को दम लगाना है कि तेजस सबसे सुपीरियर बन प्लेन बने कि कहीं पर भी फाइट हो तो लोगों की न्यूज यह तेजस हमने उड़ाया और हमें दिखा अरे वाह ये तो सबको बीट कर रहा है दैट इज हाउ इट शुड बी स्टार्टिंग में पहले आप तेजस को देखिए तेजस एफ सिक्सटीन को उड़ाए उसका तेजस जो है जो भी चाइना के हैं जे सीरीज है मेरे ख्याल से उनको उड़ाए तब जाके आपको अच्छा लगेगा यस कि तेजस आगे बढ़ रहा है और मोदी जी वही करेंगे करेंगे बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लग रही है तेजस में देखिए जितने में जितना पैसा फोक के ये रफायल आ रहा है अगर उतना पैसा लगा दे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो तेजस मेरे ख्याल से जल्दी बन, बन जाएगा।, जाएगा मतलब तेजस तो बन चुका है मगर मतलब उसका फ्यूचर वर्जन जो है बहुत ही जबरदस्त आ जाएंगे यही मोदी जी कह रहे होंगे लोगों को कि इतना पैसा ठोकते हो तुम खरीदने में उससे जरा सा पैसा लगा दो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो देखो क्या तैयार कर माल का माल की चीजें तैयार हो जो मैंने पॉइंट कहा था वो ये था कि जितने भी ब्राइट बच्चे हैं जो स्कूल्स में कोई ट्रैकिंग सिस्टम करिए कि कौन से बहुत ही शार्प बच्चे हैं और जैसे ही वो स्कूल पास करते हैं उनको आप स्पॉन्सर करिए कि हम आपको डिफेंस में डाल रहे हैं डिफेंस रिसर्च में डाल रहे हैं और आपको वो पैकेज दिया जाएगा जो इंटरनेशनली कोई बीट नहीं कर सकता तब हर कोई कहेगा कि मैं बाहर क्यों जाऊं जो अपने देश के लिए मैं काम कर सकता बिल्कुल अभी तक जितना भी ब्रेन ड्रेन हुआ है वो ये हुआ है पहले हुआ था ब्रेन ड्रेन अब आई होप कि अभी ब्रेन ड्रेन ना हो रहा हो पहले डिस्पेरिटी बहुत थी कदर भी जो, नहीं थी कदर जो नहीं हो रही थी कि आप जो बंदा पास होके आता था जो शार्प था वो देखता था तुम क्या दे रहे हो वर्सेस बाहर कितना फर्क है ये सिर्फ इज्जत की बात है कि आपकी हुनर की बात है आपकी अपॉर्चुनिटी की बात है बहुत बातें इसमें इन्वॉल्व है अगर मोदी जी इसको सॉल्व कर दें कहेंगे देखो तुम शार्प हो और हमें पता तुम्हारी कीमत क्या है हम तुम्हें देते हैं चाहे थोड़ी कम हो अगर कंपेरेबल हो बंदा कहेगा अपने देश में हाँ, बैठो अपने देश की हेल्प करो बिल्कुल अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं हो तो कोई भी जो है छोड़ के अपने देश को नहीं जाएगा सबको अपने देश से इंडिया से प्यार है पर दिस इज जस्ट अमेजिंग इससे तो पाकिस्तान के बुरे हाल हो रहे होंगे <laughs> और मैं कहूंगी ग्रीस ने कमाल कर दिया इस टाइप की जो फ्रेंड हाँ, करके कि F16 को को किसी को नहीं लेना चाहिए आ, उनको उनको आगे डिसीजन बनाना होगा ना कि अब नेक्स्ट और कुछ लेने का होगा तो इसीलिए उन्होंने किया होगा देखने के लिए कि सुपीरियर है कौन से कौन सा लेना चाहिए अब इन फ्यूचर और उन्होंने वर्ल्ड को भी बता दिया कि भैया कौन सा बेटर है तो बहुत ही मजेदार न्यूज थी तो चल चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए